और मैं पादरी साहब से निवेदन करूंगा कि उसको पढ़ने में अगुवाई करें। मैं पढ़ूंगा आपके सामने लूका अध्याय 22 7 से लेके 13 तक, सॉरी 11 लिखा है 13 तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22:7-13। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वो पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कली से मेहरबानी से बैठ जाए। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर का वचन पादरी साहब के द्वारा से सुने। आप सबको जय मसीह की। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके सुंदर गीतों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप सब लोग मिलके इस गीत की किताब से आप गीत गाते हैं, तो मुझे अपने अपने चर्च की याद आती है, जगदीशपुर की, जब मैं बच्चा था और गाना सीख रहा था, और आज मुझे वो सब याद दिलाता है। और आजकल अलग अलग चर्चेज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो आजकल जो गीत चलते हैं उसको लोग गाना गाते हैं, और जो हमारे जो परंपरागत कलीसियाई गीत हैं उसको भूल जाते हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुश हूँ और बहुत ध्यान से मैं सुनते रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, उन शब्दों को फिर याद करता हूँ जो बचपन में और जवानी के समय मैं गाया करता था। मैं आपको दो तीन सूचनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहली यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बाइबल कॉलेज में, तो दो कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लोगों को देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो कलीसिया की सहायता करते हैं और किस तरीके से वो दुआ करते हैं और दुआ में क्या क्या बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके अंदर आत्मिकता की भूख है। और मैं आपको दो कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सीनेट ऑफ सरामपुर यूनिवर्सिटी, जिसके साथ हमारी कॉलेज का अफिलिएशन है, एक कोर्स ग्रेजुएट्स के लिए, जो आप जो नौकरी पे हो उनके लिए है, वो कहलाता है बैचलर ऑफ क्रिश्चियन स्टडीज, BCS कोर्स। आप उसको डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ सकते हैं और 4 साल का कोर्स है, और आप बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हो सकेंगे। वैसे आपको ऑर्डिनेशन तो नहीं मिलेगा, बट जहां जहां परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिलेगा, आप बहुत अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं, बाइबल स्टडी ले सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत छोटा सा कोर्स है जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ। मैंने जब कोर्स को स्टडीज करी है, तो आप 4 साल में 48 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो
चर्च के लिए उतना यूजफुल नहीं है। तो हम एक कोर्स के ऊपर प्लान कर रहे हैं, पास्टर असिस्टेंट स्टडीज, पास, PAS। ये बहुत छोटा एक पैकेज है, और अगर आप उसको करना चाहते हैं तो मैं रेवरेंड अर्जुन सिंह के साथ प्लान करता हूं कि उसको कैसे किया जा सकता है। वो बहुत ही छोटा कोर्स है, 3 सब्जेक्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू द बाइबल, चर्च एंड इट्स मिनिस्ट्री, सर्मन प्रिपरेशन एंड डिलीवरी। ये 3 सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत पड़ती है चर्च में। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आपके यहाँ पर आने से मुझे बहुत आशीष मिली है। ये सारे जो संदेश मैंने तैयार किए हैं सब आपके गेस्ट रूम में बन रहे हैं, ये रेडीमेड है, बिल्कुल ताजा ताजा, पुरानी कोई बासी मैसेज को फ्राई करके मैं आपको नहीं दे रहा हूँ सप्लाई, लेकिन एकदम ताजे ताजे प्रभु से मांगे हुए मैसेज है। आज का मेरा टाइटल है ऑल आर वेलकम, सबका स्वागत है परमेश्वर की मेज में। लूका 22:7-13, यू आर इनवाइटेड। बट बिफोर इनविटेशन आपको जानना है कि कौन बुलाया है, कहां बुलाया है, क्या खिलाएगा, क्यों खिलाएगा। जरूरी नहीं है कि जब आपका कन्फर्मेशन हुआ उस समय से आप जबकि प्रभु भोज में भाग ले रहे हो तो आपको बहुत सारी बातों का पता हो। मेरा आज ये प्रयास रहेगा कि आपको जितना अधिक मैं समझा सकूं प्रभु भोज के बारे में, उस समझ के साथ आज प्रभु भोज लीजिएगा तो आप और अच्छे से आशीषित होंगे, क्योंकि ये जो आपको समझ आएगी ये आगे भी प्रभु भोज लेके समझ के लेने में आपकी सहायता करेगी। जब हम लोग इसराइलियों का इतिहास पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो एक बात को हम ध्यान देते हैं कि परमेश्वर शुरू से अपनी प्रजा को ये सिखाना चाहता था कि मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग, जस्ट ट्रस्ट मी। ये इसराइल के समय से परमेश्वर उनसे आशा रखता था। और हम देखते हैं कि जब वो जंगल में 40 साल थे तो उनके लिए बटेर का प्रबंध किया, उनके लिए मन्ना का प्रबंध किया, उनके लिए पानी का प्रबंध किया, उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध किया। तो हम एक प्रकार का एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि एक तरफ बोलता कि विश्वास करो, फेथ, दूसरी तरफ उनकी भोजन की चिंता करता है, फूड, फेथ एंड फूड इन द प्लान ऑफ गॉड। विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी ऐसे उदाहरण है जो ऐसी ऐसी जगहों में जहां खाना नहीं होता था लेकिन परमेश्वर उनको भोजन सप्लाई कर देता था। क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो क्रिएशन हुआ, जो सृष्टि हुई, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ नथिंग। परमेश्वर ने जस्ट बोला और वो चीज हो गई। तो हम उसकी सुंदरता को देखते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 2 खास बात को सिखाने का प्रयास किया। पहली बात थी आराधना, वर्शिप। पहला और दूसरा जो 2 आज्ञाएं थी उसमें हम देखते हैं कि तू किसी को परमेश्वर करके ना मानना, और तू किसी भी मूर्ति के सामने झुक के उसकी उपासना ना करना। ये जो दूसरी आज्ञा है इसी ने मेरी जिंदगी को बदला था जब मैं ऑर्केस्ट्रा में किशोर कुमार के गाने गाया करता था मूर्तियों के सामने। तो मेरी एक बहन थी जिसको मैंने जाके बोला तो मैं आज गीत गाने आया हूं किशोर के, मैं चाह रहा था अप्रिशिएट करे। उसने सेकंड कमांडमेंट दिखा के बोला ये गड़बड़ कर रहा है तू, ये आइडल वर्शिप है, किसी मूर्ति के सामने गाना ये आइडल वर्शिप है। और उस दिन से परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा और मैंने फिल्मी गाने छोड़ा। अभी भी सारे गाने याद है, अच्छे से मेरे को याद है,
गजलें बहुत सुनता हूं मैं, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग देना पड़ता है दूसरे को। जगजीत सिंह की गजलें आज तक सुनता रहता हूं मैं, और किसी की गजल अच्छी नहीं लगती मुझे, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने आराधना के बारे में ट्रेनिंग दी उनको। और दूसरी चीज है बलिदान। हम लोग बीटी के कोर्स में सिखाते हैं सेक्रीफाइस के बारे में। कैन और हबील ने अपने अपने तरीके से बलिदान चढ़ाया, किसका एक्सेप्ट हुआ? बोलिए ना, हबील का एक्सेप्ट हुआ ना। लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम के द्वारा जो इसहाक का बलिदान चढ़ाया गया, वहां से बलिदान शुरू। और कुछ और चीजों को हम लोग देखेंगे कि ये जो फसा की पर्व की शुरुआत हुई कि किस तरीके से मैंने जो आपको बचाया उसको आपको सेलिब्रेट करना है, तो वो विधि क्या होगी, ये सब आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। निर्गमन 12:43-51 निकालिए, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि बलिदान के लिए क्या विधि थी, भोजन का क्या मेन्यू था और खाने का क्या नियम था। यहां से प्रभु भोज शुरू करने के लिए परमेश्वर एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है। कोई पढ़िए जोर से। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से न खाए, बच्चों किसी का मोल लिए हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इसराइल की सारी मंडली का कर्तव्य है, और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे तो वह अपने यहाँ के सब किस्म का खतना कराए, तब वह समी पाकर उसको माने और वह देसी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए, उसकी व्यवस्था के देसी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेसी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी परमेश्वर की हमेशा यही इच्छा रही कि इसराइल के बीच में परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है उसको वो स्मरण करें, उसको वो धन्यवाद दें, उसके लिए वो भेंट चढ़ाएं और उसके लिए भजन गाएं। वहीं से पर्व शुरू हुआ, उसी दिन से पर्व शुरू हुआ जब परमेश्वर ने इन बातों को सिखाया। और हम अगर पढ़ें तो निर्गमन 28:14-19 में इसका प्रमाण मिलता है। निर्गमन 28:14-19, और भी कोई पढ़े, कोई जवान बच्चा पढ़े और जोर से पढ़े, थोड़ा जोर से पढ़िए। एक्चुअली ये जो है मेरे को लगता है मिस हो गया यहाँ पर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पर्व है उसके लिए ड्रेसेस वगैरह का भी परमेश्वर ने गाइड किया है उसके लिए। और हम देखते हैं कि 3 प्रकार के भोज होते थे साल में, और ये भोज कब होगा, कैसा मनाया जाएगा,
क्या पहना जाएगा, साल में कौन सा वो समय होगा, आराधना किस तरीके से होगी, ये निर्गमन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको पाते हैं। तो हमको ये बात को हमेशा जानना जरूरी कि जब आप प्रभु भोज के लिए आते हो तो उसका उसकी बुनियाद कहाँ से है, इसको जानना जरूरी है। और हम देखेंगे कि जो फसह का पर्व है वो परमेश्वर के छुटकारे का स्मरण है कि परमेश्वर ने मिस्र से इसराइल के लोगों को छुड़ाया था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं शॉर्ट करना चाहता हूं ताकि जो दूसरी और जो एक्टिविटीज आज होने वाली है वो समय पे पूरी हो सके। तो हम देखते हैं कि ये जो फसह का पर्व है, पास ओवर, हम जानते हैं कि दूत आया था और जिसके दरवाजे पे उसने लाल चिन्ह पाया उसको वो पास कर दिया था और वो घर बच गया, वही था छुटकारा। और हम देखते हैं कि उस पर्व से लेके यीशु मसीह के द्वारा इस पर्व को जब मनाया जा रहा है तो 1500 साल का अंतर है। और ये बात बड़े आश्चर्य में डालती है कि कब ये पर्व शुरू हुआ था और कितना समय तक चलता आ रहा है, और उसमें आप 2022 और जोड़ दो। ये पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने शुरू किया था। यीशु मसीह के पास जब हम लोग अभी इस समय आ रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे उसका पैटर्न चेंज होगा और पर्व को बनाने का तरीका फर्क हो जाएगा। तो ये जो यीशु मसीह तक जब ये पर्व को मनाते आए तो लगभग जब से वो शुरू हुआ और अभी तक 1500 ईयर्स, ये सब बैकग्राउंड पे आपको याद रखना इसके पहले कि आप यहां ज्वाइन करो। और हम लोग देखते हैं कि ये फसह का पर्व शारीरिक रूप से छुटकारे को याद दिलाता है और आत्मिक रूप से छुटकारे को याद दिलाता है। ये फिजिकल डिलीवरेंस और स्पिरिचुअल लिबरेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसको हमको याद करना है कि परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र से छुड़ाया था और वो स्पिरिचुअली आपको एक फाउंडेशन दिया था। उसके बाद हम दूसरी बात देखेंगे कि यीशु मसीह के समय जब हम आते हैं तो वहां प्रभु भोज की शुरुआत होती है। लूका 22:7-13 में हमने पढ़ा था उसके लिए, और साथ में भी और कुछ वर्सेस को हम पढ़ेंगे कि लूका उस दिन के उत्सव को हाईलाइट करता है अपने सुसमाचार में। और वहां पर वो लिखता है अखमीरी रोटी, फसा का मेमना, और बहुत ही अद्भुत बात हम लोग यहां फिर से देखते हैं कि यीशु मसीह अपने दो चेले किसको किसको भेजता है, पतरस और यूहन्ना को भेजता है, और एक ऐसी जगह भेजता है जहां वो जानते नहीं कहां जाना है। और हम देखते हैं बड़ी अजीब सी बात कि उनका नाम नहीं है जैसे मैंने बताया था। और मैं मन मन में सोच रहा था कि ये 13 लोगों को इनवाइट कर रहा है, जो फैमिली इनवाइट कर, वहां पर यीशु मसीह अरेंज कर रहा अपने फसह का पर्व। और जो मेनू है हमने निर्गमन 12 में पढ़ा कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। 10 जन के बीच में एक भेड़ को काटा जाता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्रभु भोज को अपने आत्मिक अगुवाई पा के प्रभु से उसको कंडक्ट करता है तो यहां पर उसको बदलता है वो। और हम लोग देखते हैं कि ये लास्ट सफर है, ये उसके जीवन का लास्ट सफर है। बट द डिसाइपल्स वर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि ये एंड कर रहा है यहां पर। हमको क्यों पता है, क्योंकि लिखा हुआ है। और हम उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूका जो है उस व्यक्ति के बारे बताता कि वहां जाना, नाम नहीं लिखा है लूका ने। और मैं मन मन में सोच रहा था कि 13 लोगों को खाना खिलाने के लिए उसके पास जगह थी और वहां पर बोला कि क्या दिखाएगा आपको, जो हमने आज वचन पढ़ा, सजी सजाई अटारी। वाह क्या बात है। मैं जब बोल रहा था ना कि जब मैं किसी के घर में जाता हूं तो कैसे सजाया टेबल को, पहले ये देखता हूं तो कमरा कैसे है ये सब देखता हूं, उससे पता चलता है। कल एक बहुत खूबसूरत घर में गया था, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बहुत सुंदर लगा, लोग भी बहुत सुंदर लगे, टेबल भी बड़ी सुंदर लगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वो सजी सजाई अटारी में प्रभु यीशु मसीह और चेलों के लिए, यहां यहूदा है, अभी यहूदा है ना, ये 2-3 दिन में जो कांड करेगा पर बात करेंगे बाद में, है ना, तो वो भी है उनके साथ अभी,
तो इनके लिए प्रबंध हो रहा है और जो व्यक्ति होस्ट है वो अनजाना है। जब कानपुर से मैं पैशन वीक से बोल के लौट रहा था तो एक मेरे को ख्याल आया कि इतने जन का जो खाना खिलाए होंगे यहां लेडीज का नाम क्यों नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। और जो प्रभु भोज की तस्वीर आप देखते हो सर्व करते हुए, आप कहीं नहीं देखते उनको, लेकिन ये क्या संभव है क्या? मैंने गूगल किया इसको, ये क्वेश्चन को मैंने गूगल किया और मुझे पता चला कि किसी लेडी ने एक बुक लिखी है, वी वर देयर ऐसा कुछ नाम है उसका, लॉर्ड सफर के टाइम वी वर देयर करके। और उसके बाद मैंने उस बुक को डाउनलोड किया तो उसमें दिखाया कि वो लोग सर्व कर रहे हैं, पर हम जो जनरल जो लॉर्ड सफर की पिक्चर देखते हैं उसमें लेडीज नहीं है, लेकिन थी। जो रिसर्च किया होगा उसने बताया कि जो लेडीज ने उसकी किताब लिखी वी वर देयर, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि एक टोटल कंप्लीट इनविटेशन की तैयारी है यहां पर, खाने की तैयारी है जहां पर प्रभु भोज को शुरुआत करने जा रहा है प्रभु। उसके बाद मरकुस में हम लोग देखते हैं, मरकुस 14:18-20 में क्या लिखा है देखिए, ये क्या बोलता है। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उस पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वे मैं हूं? उसने उससे कहा, बारों में से एक है जो मेरे साथ पानी में हाथ डालता है। प्रभु भोज में सब चीज पॉजिटिव नहीं थी, जो लास्ट सफर हुआ था उसमें सब चीज पॉजिटिव नहीं थी, एक विलेन भी था। मुझे एक स्किट याद आ रहा है, जब मैं रांची में मसीह अवान का एडिटर था तो YMCA के कुछ लड़कों के साथ हमने एक प्ले किया था, संडे स्कूल के बच्चे बैठे हुए देख रहे थे और कोई यहूदा नहीं बनना चाह रहा, तो बोला मैं बनता हूं यहूदा। और जो यीशु मसीह बनना चाह रहा था वो गोलियात जैसे ऊंचा था और मैं जक्कई जैसे नाटा, तो मैं जब उसको चूमना चाहता तो चाहना था तो मैं तो पहुंच ही नहीं सकता था, तो यार झुक जा, यार झुक जा झुक जा, उस समय एक्टिंग करते थे मैं ही बोल रहा था। तो उसको मैंने किसी तरह चूमा, दूसरे दिन संडे स्कूल हुआ, फिर तो बच्चों को पूछा तुम लोगों ने नाटक देखा, बोले हाँ देखा, तो यीशु मसीह को कौन पकड़वाया, तो बच्चों ने बोला उदित सोना, लेकिन सच बोला था। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो है मरकुस अपने सुसमाचार में जो निगेटिव करेक्टर है उसको भी डालता है यहां पर, इसको भी हमको याद रखना कि उसी समय ये बात प्रभु ने घोषित कर दी थी कि जिसने मेरे थाली में हाथ डाला है वही मुझको पकड़वाएगा। इतनी जबरदस्त बेइज्जती, बाप रे, मतलब माहौल कुछ और है। ये फसह के पर्व की खुशी का माहौल है और उसी बीच में परमेश्वर ये बात की घोषणा करता, वो भी उनके समझ में तो आया नहीं हुआ कि क्या बोल रहा है भाई, जबकि यीशु मसीह अपनी मृत्यु की 3 बार भविष्यवाणी भी कर चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदा की योजना को वो घोषित कर देता है। मत्ती में भी ऐसे ही बातें लिखी है। मैं आपको 3 प्रकार की संगति की जानकारी देना चाहता हूं, यहां पर 3 प्रकार की संगति हो रही है। स्टार्टिंग है ये लास्ट सफर में, प्रभु भोज की स्टार्टिंग है, बट इट इज ए लास्ट सफर। यहां पर हम देखते हैं पुराना नियम भी है, यहां पर हम देखते हैं नया नियम तो ऑलरेडी है, लेकिन यहां हम देखते हैं आने वाले राज्य की भी बात कही गई है। तो ये 3 काल को एक साथ हम लॉर्ड सफर में देखते हैं, गुरु तथा चेले के साथ एक संगति को देखते हैं कि मास्टर और डिसाइपल्स वो मेज पे है। दूसरा हम देखते हैं कि उद्धारकर्ता भी वही है
और जो बलिदान होने वाला वो भी वही है, लेकिन उस समय उनकी बात समझ में नहीं आती है। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि उसी जगह घोषणा की जाती है पुनरुत्थान के बाद फिर से आने की और इस संगति की शुरुआत करने की बात की जाती है जिसमें अभी हम लोग हैं। ये बोलता प्रभु यीशु मसीह, जब तक मैं न आऊं मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। ये बात उस समय डिक्लेयर होती है और आज हम इस बात को कर रहे हैं और करेंगे भी। उसके बाद हम देखते हैं कि लूका 22:14-15 में फसा का अंतिम भोज आज से, मतलब जिस दिन उसका लास्ट सफर हुआ, अब से प्रभु भोज कहलाएगा। वो नेम इसका चेंज होएगा, यहां पर से लास्ट सफर विल बी लॉर्ड्स सफर, यहां से फ्रॉम हियर। तो लूका 22:14-15 पढ़िए। ये बहुत सुंदर बात कही है जो किसी की समझ में नहीं आई है कि दुख भोगने से पहले, डिसाइपल को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, लेकिन मेरी लालसा थी बोल रहा है। और प्रभु इस लालसा को, उसकी इच्छा थी, और वो खुद ही लोकेट करता है कहां पर होगा, ये वेन्यू कहां होगा। और उस अज्ञात व्यक्ति को होस्ट बनने के लिए इन्फॉर्म करता है। और हम देखते हैं कि उस समय केवल यीशु मसीह जानता था कि ये उनकी जिंदगी की चेलों के साथ लास्ट सफर है और उसकी लाइफ की भी लास्ट सफर है। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये अंतिम भोज जो है केवल यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में हुआ और किसी अनजाने व्यक्ति के घर में, कलीसिया में नहीं हुआ, किसी आराधनालय में ये बड़ी बात नहीं हुई जो हम लोग आराधनालय में करते हैं। बट इट स्टार्टेड विद अ सिंपल हाउस, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति के घर में प्रभु भोज शुरू हुआ। यू शुड नो ऑल दिस। चर्च नहीं था उसमें, आराधनालय में शुरू नहीं हुआ, जबकि आराधनालय उसमें थी। और हम देखते हैं कि उनका घर और उनका किचन, मैं सोच रहा था, सोचते रहता हूं मैं कि 13 लोगों के लिए और फसा के पर्व का जो मेनू होता है, कई डिशेज है उसमें, उसमें भेड़ का मांस है, बॉइल्ड लीव्स है, और कड़वी चटनी है उसमें, ब्रेड है, ऐसी कई चीजें उसमें है, इतना समय नहीं कि सारी डिटेल करें। और उसको हम लोग देखते हैं कि इतने सब लोगों के लिए अरेंजमेंट करना है। आजकल जब इनविटेशन कोई देता है तो आप देखते हैं कि कितनी मुसीबत होती है, कितना टेंशन रहती है। लोग चर्च गोल मारते हैं ताकि पादरी साहब आएंगे तो चर्च नहीं आएंगे, घर में खाना बनाएंगे। मार्था है ना, मरियम सब इधर ही रहेंगी, मार्था उधर रहेगी। और हम यहां पर देखते हैं कि जो कुछ यहां पर हो रहा है ये यीशु मसीह के जीवन की अंतिम चीजें हैं जो केवल यीशु मसीह जान रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं बांटने के समय क्या बोलता है, वही बात हम लोग अभी बोलते हैं। ये उनके मुंह से निकला था, वी आर सिंपली रिपीटिंग वर्ड जीसस सेड। कोई ट्रेडिशन ने नहीं क्रिएट किया कि ऐसे ऐसे बोलना है। तो ये बहुत ही सोबर और बहुत ही सीरियस और बहुत ही स्पिरिचुअल स्टेटमेंट्स हैं जो प्रभु हमको देता है। डोंट टेक इट लाइटली। ये एक विशेष बात है, ये पहली लिटर्जी है, ये लॉर्ड्स सपर की पहली लिटर्जी है जो फसह के पर्व का, यीशु मसीह के जीवन का अंतिम भोज है। हम लोग मत्ती 26:26-28 में उन शब्दों को एक बार फिर से देखेंगे जिसको हम लोग अभी रिपीट करेंगे जब हम लोग प्रभु भोज लेंगे। तो मत्ती 26:26-28, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इनमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त पाया जाता है।
तुमसे कहता हूँ कि दाग का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में आया ना पीऊं। मैं मन मन में सोचता हूँ कि ये बात एक पवित्र परमेश्वर ने अपने पवित्र ओठों से कही जिसने गुनाह नहीं किया था। उसको बिशप और पादरी अपने मुंह से कहते हैं जो गुनहगार हैं। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझ रहे हैं ना, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि उसने इसको इस तरीके से योजना बनाई कि उसने अथॉरिटी दी है कि जो भी अभिषिक्त होंगे वो ये शब्दों को बोलेंगे। इवन वी आर नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। मेरे को कभी कभी सोचते रोने लगता हूं कि भाई मैं कैसे बोल सकता हूं प्रभु आपकी जो जुबान से अपने निकले शब्द है, जब उसके डेप्थ को देखता हूं। लेकिन क्योंकि हम लोग जब से हम लोग कंफर्मेशन लेते तब से लेकर कई सालों से उसको बोलते आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत ही ये सीरियस चीज है, बहुत ही ये स्पिरिचुअल चीज है, जो मतलब मनुष्य के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के सेकेंड कमिंग को प्रूफ करने के लिए ये बात प्रभु ने हम लोगों को करने के लिए दी, ये विधि को संपन्न करने के लिए हमको दिया है। उसके बाद आखिरी में हम देखते हैं कि पौलुस भी इस बात को याद दिलाता है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन पहला कुरंथी 11:23-26 और ये बात जो लिखी गई है वो यीशु मसीह की मृत्यु की 65 ईयर्स के बाद लिखी गई, उसके बाद लिखा गया ये। तो वो कितना ज्यादा परमेश्वर के इंस्पिरेशन में थे कि ऐसी ऐसी बातों को जिसको इजीली भूल सकते हैं परमेश्वर ने उनको भूलने नहीं दिया और वही शब्द को याद दिलाया 65 साल के बाद पौलुस को, मत्ती को 60 वर्ष के बाद मृत्यु के बाद एग्जैक्टली वही वर्ड परमेश्वर ने याद दिलाया उनको। उस समय यीशु मसीह नहीं था, बट ये परमेश्वर की प्रेरणा का यही मतलब होता है कि जो प्रभु चाहता है वो लिखा गया है, जो मनुष्य अपने तर्क से सोचता वो नहीं लिखा गया। ये दीज ऑल दीज वर्ड्स आर गॉड इंस्पायर्ड वर्ड्स। एक बार मैं पहला कुरंथी 13 पढ़ रहा था, वो लव का है ना, लव का चैप्टर, जितने लवर लोग हैं सबके लिए वो दे दिया है, सुन रहे हो ना, वही देना लव, लव के बारे में। और दुनिया की कोई फिलॉसफी नहीं सिखा सकेगी उस बात को। मैं रायपुर के देशबंधु पत्रिका के संपादक के साथ बहस कर रहा था, उसको बोला था आप नहीं जानते हो प्यार के बारे में। अब कोई बात नहीं, बड़े एडिटर हो गए, संपादक हो गए, फर्क नहीं पड़ता। वो अपने तरीके से बताने लगी, मैं इससे इसको प्यार बोलते हैं, उसको प्यार बोलते हैं, इसको प्यार बोलते हैं। बोरे नहीं, आपको नहीं आता है। मैंने निकाल के दे दिया उसको, पहला कुरंथी 13 पढ़ो। और जब उन्होंने पढ़ा तो यार ये बाइबिल मेरे को दे दे, बोले ले जा, मैं तो ये चाह ही रहा, तू पढ़े, हिंदू आदमी है तू पढ़े बाइबिल को, ये देखो ये क्या चीज है, ये हमारे प्रभु ने करवाया है, इसको लिखवाया पौलुस को लव के बारे में। एक एक उसका जो फ्रेज है ना उसमें PhD किया जा सकता है, उससे बड़ा लव चैप्टर कोई नहीं है दुनिया में। और यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस यीशु की मृत्यु के बाद वो भी वही बातों को लिखता है जो गॉस्पल में मरकुस, मत्ती और लुका ने लिखा था, ठीक है। और ये कुरिंथ की कलीसिया को लिख के याद दिला रहा है ये। और हम लोग देखते हैं आखिर में, मैं 5 बात बता के समाप्त करूंगा कि प्रभु भोज क्या सिखाता है मुझको। सबसे पहले मैं आपके सामने बताता हूं कि प्रभु भोज जो है ये विश्वासियों की संगति का भोज है। दिस इज अ सफर ऑफ बिलीवर्स हु आर इन यूनिटी। ये यूनिटी डिनर है। अगर दिल नहीं मिलते हैं तो आना मत यहां पर। अपने दिल के अंदर में जो कुछ चल रहा है उसको ठीक करके आने के लिए बोला है ना। यहां पर बहुत लोगों के दिन के दिल नहीं मिलते होंगे, कोई नई बात नहीं है। और उसमें कहा गया कि जब तक आपके आपस में जो विरोध है वो नहीं खत्म होता है तब तक आप यहां नहीं आ सकते इस बोझ को शामिल करने के लिए। और हम देखते हैं कि यहां पर बताया जा रहा है कि मेज पर कौन है,
प्रभु यीशु मसीह है। कैसा है जो व्यक्ति इन लोग के साथ बैठा, क्या वैसा है जैसा प्रभु चाह रहा है? 11 लोग तो सही थे, एक आदमी सही नहीं था। इस टेबल में भी कितने लोग हो सकते हैं गड़बड़। पहले वाले में थे जब यीशु मसीह के सामने थे तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है। यहां भी वैसे लोग हो सकते हैं जो भाग लेंगे। दूसरी बात, हम लोग सब इक्वल पार्टनर्स हैं इसके। यू आर गिवन पार्टनरशिप इक्वली। ऐसा नहीं कि पादरी साहब है तो उसको थोड़ा दूसरी रैंक मिली है, कोई बाइबल टीचर है तो उसको दूसरा रैंक मिला है। एवरीबडी हु आर हियर, जिनके दिल साफ हैं, जो रिपेंट करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो प्रभु को अपना उद्धार करता मानते हैं, एवरीबडी हैज इक्वल राइट। सबका समान अधिकार है इसमें भाग लेने का। तीसरी बात, दिस इज अ ऑनर। एक ऑनर है, ये सम्मान है। मैं हमेशा दुआ में कहता हूं कि प्रभु मुझको तू आराधनालय में आने का सम्मान दिया मुझे। एक एक ऑनर है परमेश्वर हमको देता है कि हम यहां बैठे हैं। यू आर ऑनर्ड बाय गॉड दैट यू आर हियर। और इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। और हम उसके बाद देखेंगे कि हम मेज में परमेश्वर के साथ हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जो चीज दी जा रही है ये परमेश्वर के बदन में आप हिस्सा ले रहे हो, परमेश्वर के लहू में आप पार्ट ले रहे हो। दिस इज अ ऑनर, ऑनर डिनर। प्रभु एक ऑनर डिनर दे रहा अपने बिलीवर को, अपने डिसाइपल्स को। चौथी बात, दिस इज अ टेस्टिमनी ऑफ योर फेथ। ये आपके विश्वास की साक्षी है दैट वी आर पार्टनर विथ जीसस ऑन द लॉर्ड सपर मेज टेबल। ये हमारी एक साक्षी है कि प्रभु के साथ हम लोग भाग ले रहे हैं जिस डिनर में उसने हमको बुलाया। और लास्ट है, एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड सर्वाइव, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक प्रभु का प्रचार होता रहेगा, क्योंकि उसने कहा है जब तक मैं नहीं आऊं मेरे स्मरण में यही किया करना। इसलिए हम आज इसको कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ ऑर्डर, यू कांट डिनाय। आप जब कोई ऑर्डर देता आर्मी में तो बाद में आऊंगा, अभी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। ये परमेश्वर विश्वासियों को एक आदेश दिया है कि आप इस मेज में भाग लीजिए और एक पश्चातापी हृदय के साथ भाग लीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और आप कोरोना के मार से बच के जिंदा है कि आज आप प्रभु भोज में भाग लोगे। ये परमेश्वर की आशीष है और अनुग्रह। कितने इस बात को मानते हैं? यदि अनुग्रह नहीं होता तो आप ऊपर होते। आपके घर से कितने लोग चले गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको जिंदा रहने दिया ताकि आप एक गुड फ्राइडे और देखो और एक और लॉर्ड सफर में भाग लो, एक ईस्टर और देखो। ये केवल परमेश्वर की अनुग्रह है जिसके कारण हम बचे हुए हैं। और हम अभी तक तो बचे हुए हैं, कल की बात नहीं कही जा सकती। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतनी सारी बातों को सुनने के बाद आइए हम अपने दिलों को तैयार करेंगे और प्रभु भोज में शामिल होने के लिए प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मेरे को तैयार कर। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर, मैं नहीं करूंगा आपको तैयार। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू कम बिफोर द लॉर्ड। आप प्रभु के सामने आइए और आप मांगिए। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद भाई साहब को दूंगा आगे बढ़ाने के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन के भेदों को समझना बहुत मुश्किल है जब तक तू नहीं समझाता है। प्रभु हम देखते हैं परमेश्वर, 1500 वर्ष पहले तेरे आने के पहले, जब तू जिंदा था उसके पहले जो कुछ हुआ परमेश्वर, तूने उसको खुद का बलिदान देके सारे बलिदानों को बंद कर दिया। उसके बाद बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी परमेश्वर। उसी बलिदान
की देह और उसी बलिदान का लहू परमेश्वर आज हम सबको ये ऑनर देता है परमेश्वर कि हम उस प्रभु भोज के सम्मान में उसके आदर में हम भी उसको स्मरण करें। और जैसे तूने अपनी देह बांटी, रोटी को बांटा, जिस तरीके से तूने दाखरस को बांटा लहू के रूप में, उसको हम स्वीकार करें परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग अपने को तैयार करके लाए अपने आप को, उनको इस प्रभु भोज के द्वारा बड़ी आशीष मिले। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले, आमीन।